देवरिया कांड के सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर गोलियां चलाने वाला हुआ गिरफ्तार। जी हां, फतेहपुर कांड में गोलियां बरसाने वाले नवनाथ मिश्र उर्फ पट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पट्टू ने ही सत्यप्रकाश दुबे के बेटे गांधी, बेटी सलोनी और पत्नी किरण को गोली मारी थी। वही नवनाथ प्रेमचंद्र की गाड़ी चलाने के साथ ही उसके गनर का भी काम करता था। घटना के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। बता दें आपको कि पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त प्रेमचंद्र की राइफल भी बरामद कर ली है। अब तक इस मामले में कुल 21 लोग जेल जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में देवरिया कांड के बाद सर्वे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका पलड़ा भारी। जी हां, अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने की संभावना है। हाल के सबसे ताजा ओपिनियन पोल में यह सामने आ गया है। भले ही कुछ राज्यों में पिछली बार की तुलना में एनडीए को नुकसान हो रहा है, लेकिन देवरिया कांड के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जलवा कायम है। पीएम मोदी और सीएम योगी के सहारे बीजेपी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि एनडीए को कुल मिलाकर 73 सीटें मिल सकती हैं। सपा बसपा और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब रहने की उम्मीद है। वहीं सर्वे में अखिलेश का जलवा भी चलता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि देवरिया कांड के बाद इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 51% वोट हासिल हो सकते हैं, जबकि सपा को 25%, बसपा को 11%, कांग्रेस को 4% वोट मिल सकता है। इसके अलावा 9% वोट आने के खाते में जा सकते हैं। अब सीटों की बात करें तो बीजेपी को 71, सपा को 4, कांग्रेस और अपना दल को 2-2, आरएलडी को 1 सीट मिल सकती है। 3 महीने में इतनी बड़ी जनगणना पूरी कैसे कराई, राजभर ने बताई बिहार सरकार की रिपोर्ट की सच्चाई। जी हां, सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार में हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। इतना ही नहीं, राजभर ने बिहार सरकार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट की सच्चाई भी बता दी है। साथ ही राजभर ने बिहार सरकार की जनगणना की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने बताया है कि बिहार के करीब 150 गांव के लोगों से उन्होंने बात की है, जिसमें लोगों ने उन्हें बताया है कि कोई भी उनके पास सर्वे करने नहीं गया। हालांकि बातचीत में राजभर ने सवाल उठाया है कि महज 3 महीने में बिहार सरकार ने इतनी बड़ी जनगणना पूरी कैसे कराई। बिहार की पिछड़ी जातियां, मंडल, प्रजातियां, नूनिया, चौहान, राजभर आदि के आंकड़े छिपाए गए थे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बोले, श्रीराम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम सिंधु भी वापस ला सकते हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 500 वर्षों के बाद श्रीराम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम सिंधु भी वापस ला सकते हैं। वहीं सिंधी समाज को अपने इतिहास के बारे में अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। अब उत्तर प्रदेश के इटावा में देवरिया जैसा कांड, दो मासूमों के साथ वही वारदात। जी, उत्तर प्रदेश के इटावा में सनसनीखेज घटना हो गई है। दो मासूमों के साथ देवरिया जैसा कांड किया गया। बता दें कि दोनों अलग अलग कमरे में खून के लथपथ मिले हैं। पुलिस के मुताबिक घटना में परिवार के नजदीकी की संलिप्तता का शक है। बता दें कि यह घटना इटावा के जसवंत नगर के बहादुरपुर निवासी जयवीर पाल की दो बेटियों, एक 6 वर्षीय सुरभि व 4 साल की रोशनी के साथ ऐसा हुआ है। देवरिया कांड में माता पिता समेत परिवार के 5 लोगों को मारे जाने से आहत देवेश की हालत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। जी हां, देवरिया कांड में माता पिता समेत 5 लोगों को खोने से देवेश काफी आहत है। वह लोगों को देखकर रोने लग रहा है। लगातार रोने के चलते आज उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी है। इसके बाद उसे मार्सी देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यहाँ चिकित्सकों की टीम इसका इलाज कर रही है। जयप्रकाश नारायण के जीवन से युवाओं को अनंत काल तक मिलेगी प्रेरणा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद और भारतीय राजनीति के युग पुरुष लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर इस मौके पर उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में लोक नायक जयप्रकाश का जीवन यात्रा से देश के युवाओं को अनंत काल तक समाज सेवा की प्रेरणा मिलती रहती है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बच्चों को हर महीने मिलते हैं 1200 रुपए, पात्रता कर ऐसे करें आवेदन। यूपी की राज्य सरकार गरीब बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजना चलाती है। इसी कड़ी में बाल श्रमिक विद्या है। इसके तहत यूपी सरकार बाल श्रम करने वाले लड़कों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 1000 रुपए और लड़कियों को 1200 प्रति माह देती है। दरअसल यूपी में आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ज्यादातर बच्चे
कम उम्र में ही स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करने लगती। इस योजना का उद्देश्य इन्हीं गरीब तबके बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना है। वहीं यूपी की राज्य सरकार 8, 9 और 10वीं में पढ़ाई करने वाले बच्चों को अलग से 4,000 रुपए देती है। हालांकि इस योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे बच्चे के माता पिता में से कोई एक या दो, माता या पिता में से कोई एक या दोनों विकलांग हो, आवेदक के पास जमीन न हो। इस योजना का लाभ किस बच्चे को मिलेगा, इसका चयन श्रम विभाग के अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण के बाद किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की लुटेरी दुल्हन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने सिपाही से की शादी, फिर करने लगी वसूली, ऐसे हुआ खुलासा। जिया बता दें कि कानपुर पुलिस ने एक ऐसी लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है जिसने न सिर्फ खुद को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताया बल्कि सिपाही से शादी के लिए माँ बाप को लेकर रिश्तेदार तक फर्जी बनाए। वहीं शादी समारोह में कन्यादान करने वाला पिता भी फर्जी था और विदाई में आंसू बहाने वाले भाई भी। बार बार घूंघट दुरुस्त करने वाली बहन से लेकर मंडप में रात भर ढोलक बजाने वाली महिलाएं भी सिटिंग के जरिए आई थी। वहीं आज इस लुटेरी दुल्हन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दिवाली के लिए अवैध रूप से बनाया जा रहा था आतिशबाजी के सामान, रंगाई के दौरान फटा सुतली बम, 2 घायल। जी हां, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सुतली बम फटने से एक रिहायशी मकान ध्वस्त हो गया है, जिस कारण मकान मालिक समेत एक अन्य युवक मलबे में दब गए। आनन फानन में दोनों को कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की मीटिंग के बाद अफसर हुए एक्टिव, यूपी के 17 नगर निगमों में शुरू होगा ये काम। जी हां, यूपी के 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी परियोजना के तहत पैनी नजर रखने के लिए करीब 22,000 नए कैमरे की पहचान की गई है। इनमें से 15,732 को कंट्रोल रूम से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा नए कैमरों के लिए 4,150 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहीं जहां नए कैमरे लगाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, साथ ही परियोजना के तहत 1,861 हॉटस्पॉट को चिन्हित कर 656 पीआरवी द्वारा पेट्रोलिंग कराई जा रही है। इस दौरान 2,324 डार्क स्पॉट को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें से 1,416 स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापित की जा चुकी है। अब यूपी में बीजेपी के महिला आरक्षण की काट ले आई अखिलेश, पीडीए के जरिए आधी आबादी को लुभाने में जुटेगी सपा। जिया, भाजपा के महिला आरक्षण वाले बिल की अखिलेश यादव ने काट निकाल ली है। महिला आरक्षण पर भाजपा के आक्रामक रूप को देखते हुए सपा अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं का मुद्दा उछालेगी। भाजपा महिला आरक्षण बिल को पास कराने को अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हुए अब इसकी चर्चा चुनाव प्रचार में कर रही है, तो सपा जातिगत जनगणना की मांग के आंदोलन में अब पीडीए महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करेगी। सपा अपने चुनाव अभियान जल्द शुरू करने जा रही है। वहीं पार्टी के विभिन्न अनुसांगिक संगठनों द्वारा पीडीए व जातिगत जनगणना का मुद्दा पहले से ही उठाया जा रहा है। यूपी के जौनपुर के पूर्व डीजीपी के भतीजे की दबंगई, मंदिर के पुजारी को दी देवरिया कांड जैसी घटना की धमकी, 40 लोगों पर पाबंद। जी हां, जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर क्षेत्र के तरहटी गांव में शिव मंदिर के पुजारी विजय कुमार उपाध्याय को देवरिया संघार जैसी घटना की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पूर्व डीजीपी जगन मोहन यादव के परिजनों समेत दोनों पक्षों के 40 लोगों को धारा 107/16 में पाबंद किया है। पूर्व डीजीपी के भतीजे निशांत यादव से धमकी मिलने के बाद पुजारी ने डीएम एसपी को प्रार्थना पत्र देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। 5 महीने में 31 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार, इन लोगों को मिलेगा 11 करोड़ का अनुदान। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत लॉन्च 3 योजनाओं का एक्शन प्लान जारी कर दिया है। इसके तहत योगी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष के शीर्ष 5 महीनों में करीब 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इनमें से मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लिए 10-10 करोड़ और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत योगी सरकार 11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत योगी सरकार 2500 देसी गाय, 8000 पुरस्कार और 35 डेयरी स्थापित करेगी। थैंक यू इंडिया, हमास के खिलाफ जंग में भारत की दोस्ती से इजराइल को मिली हिम्मत, कहा जीत कर रहेंगी। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन की हमास के बीच जंग शुरू हो चुकी है। पहले हमास ने इजराइल में 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी की कई बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया है। वहीं हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद दुनिया दो खेमे में बंट गई है। एक तरफ हमास को ईरान और पाकिस्तान ने समर्थन दिया है, तो दूसरी तरफ भारत ने इजराइल से दोस्ती निभाने की बात कही है। वहीं हमास के हमलों के बाद इजराइल से मिले समर्थन पर भारत को धन्यवाद भी दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर यह बात ट्रेंड कर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले जातीय जनगणना के मुद्दे पर होगा लोकसभा चुनाव 2024।
जी हां, सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज कह दिया है कि अगला लोकसभा चुनाव जो होगा वह जातिगत जनगणना पर ही होगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि नए लोकसभा भवन के साथ ही भाजपा नया संविधान भी बनाना चाहती है। प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्ति अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे सिर्फ ठेकेदार व इंजीनियर खुश हैं, आम जनता तो बहुत दुखी है। उत्तर प्रदेश में मयूर ग्रुप में चौथे दिन भी आयकर की छापेमारी, करोड़ों का सोना और ज्वेलरी मिली। जी हां, देश के बड़े वनस्पति घी निर्माता मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी जारी है। अलग अलग ठिकानों से बड़ी संख्या में करोड़ों का सोना और ज्वेलरी मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सेटेलाइट ने पकड़ी किसानों की चालाकी, डीएम ने कृषि अधिकारी को किया तलब, लगेगा 15,000 रुपए तक का जुर्माना। जिया मथुरा में धान की फसल करते ही पराली जलाने का दौर शुरू हो गया है। पिछले दो दिन के दौरान 3 स्थलों पर पराली जलाए जाने की तस्वीर सेटेलाइट की मदद से कैद कर ली गई है। इसमें मांड ब्लॉक में 2 स्थानों पर और छाता में 1 स्थान से पराली जलाने की तस्वीर सामने आई है। अब इन सभी से संज्ञान लेते हुए कुल 15,000 रुपए वसूलने का काम किया जाएगा। तो खबरों में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।